अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलबाग में अमरुवाई की टालकन में रहता था। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मेरे को चार लड़कियां, दो लड़के थे। मेरे बड़े बच्चे का इंतकाल हो गया, तीन बच्चियों के शादियां हो गई, मेरी एक बच्ची छोटी थी। ये बच्चे के साथ रिश्ता करे थे, मैं बच्चे को हालांकि पसंद भी नहीं करता था, बच्ची पसंद करी बच्चे को, तो मैं इसके लिए रिश्ता बच्ची के हाथ से राज़ी भी हो गया। राज़ी होने के बाद डायरेक्ट प्रॉमिस का रसम करे। बच्चा शाहनवाज नाम है उसका, ऑटो चलाता फुलबाग के अंदर ही, चेक दुर्दाना होटल बोल के उधर गलियों में रहता। हालांकि बच्चे को मैं पसंद भी नहीं करा, मेरी बच्ची के खातिर राज़ी हो गया। उसके बाद में प्रॉमिस का रसम करने के बाद दो महीने के बाद शादी थी। एक महीने के बाद फिर मैं बुला के शादी खाना बुक करना है बोल के पूछा उनसे डेट पूछने के लिए। बोले तो बोले हमारा चिट्ठियाँ वाला पैसे नहीं दिया, धोखा दे दिया, 1-2 लाख रुपये आप दिए तो हम शादी करते, नहीं तो फिर अगस्त में करते। बोला ठीक है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, नहीं दे सकते, अगस्त में करेंगे बोल के। फिर उसके बाद में जब से बच्ची से बात कर रहा था, क्या कर रहा था वो तो हमारे को भी पता नहीं, ना तो बच्ची बोली हमारे को, दोनों की बातचीत जारी थी फोन पे। उसके बाद में फिर क्या हुआ बोले तो बच्ची को मैं दूसरी जगह करेंगे बोल के ही सोच रहा था, ये लोग मेरे को धोखा दिए, पैसे नहीं है बोल के अभी से ऐसा कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे बोल के। फिर बच्ची नाराज़ी चल रही, तो मैं बच्ची को पीर के दिन बुला के बोला देख बेटा ठीक है वहीं करता हूँ, लेकिन वो लोग आते बोले ना आए नहीं, ईद के बाद आते बोले थे आए नहीं, वो लोग आए तो मैं करने के ऐसे फिर भी बात करके कर देता हूँ बेटा बोल। तो बच्ची खुश होकर उसको फ़ोन करी, फ़ोन करने के बाद उन्हें क्या बोला बोले तो बच्ची मेरे को बिस्तर पर जाने के बाद बोली ये बात दवाखाने में, मैं नहीं कर लेता तेरे को, तेरा बाप एक बोलता अम्मा एक बोलती, मेरे को तेरे से शादी करना नहीं है, दूसरों से शादी करना है बोले बच्चा बोला। तो बच्ची क्या करी, फ़ोन पे आईसीट की फ़ोटो भेजी उसको, देख मैं पी लेती हूँ बोल के। उसके बाद में बच्ची जो है सो शाम तक देख के 6 बजे तक 5:30 को अच्छी थी बच्ची, 5:45 को दीवान खाने में जाके आईसीट पी ली। पीर के दिन 6 बजे आईसीट पी लेने के बाद हमारे को नहीं मालूम क्या के देखे क्या हुआ कि बोल के देखने के बाद दूर से और दवाखाने को लेके वहाँ डॉक्टर पूरा नहीं देख सकते, सुबह में आते डॉक्टर आप बोले तो उस्मानिया को ले तो दूर से और असरा को लेके जाओ बोले तो असरा को ले लेके आया, असरा में ट्रीटमेंट करे। फिर बच्ची से पूछा मैं क्या, तो भी वहाँ डाउट आया मेरे को ये बच्चा कुछ ना कुछ बोला क्या ही बोल के। डाउट आने के बाद बच्ची से पूछा तो बच्ची बोली बाबा बाद में बोलती मैं तुम्हारे को, बोला बोल बेटा क्या हुआ बोल तो बोलती हूँ बोली। फिर उसके बाद इतना ही बोली मैं बोली तो उन्होंने शादी नहीं करते बोले मैं एसिड पीती बोले तो पी लेके मर जा तू मोहरा मारा ना मर जा बोला बोल के। फिर उसके बाद में मेरे को डाउट आ गया, बच्ची का फ़ोन नंबर का लॉक खुलाया, लॉक खुला के फ़ोन में बच्चियाँ चक्कर है तो उसमें बच्ची बात कर रही आपसे, बच्ची के पास रिकॉर्डिंग आए फ़ोन में पूरे, बच्ची को गाली सिवा बात नहीं कर रहा, ऐसे बुरे बुरे गालियाँ दे रहा, बच्ची 2 मिनट बात करो बोल तो उसको गाली से बात कर रहा, उसको कानून की ऐसी सजा दिलाओ, साफ बोले चंद्रन गुट्टे के उसको नहीं छूटे सर का उम्र कैद की सजा दिला तो बोले। आधे साहब पीर के दिन बच्ची पी ली, आज 4 बजे बच्ची का इंतकाल हो गया मेरी दवाखाने में। तो आईसीट पी ली, बच्चा जो है सर शादी करता हूँ बोल के बच्ची को पसंद करके हम राजी नहीं थे, तभी हमारे को बच्ची राजी कराई, उन्हें राजी कराया। उसके बाद में अब टाइम आते कि बच्चा जब रमजान में पैसे मंगा था शायद मैं नहीं दिया, नहीं देने की वजह से अब करता हूँ बोले थे बोल के बच्ची आओ बोले तो मैं नहीं कर लेता तेरे को जा कुछ भी कर ले तो बच्ची मर जाती बोलता मर जा बोला बच्ची पी ली। ऐसी की एज क्या थी, नाम क्या? बच्ची का नाम अस्मा है, 21 साल की एज है इसकी, सेकंड ईयर पढ़ी भी है, ये जाहिल है बिल्कुल, ऑटो चलाने वाला, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना घर जाती है ना कोई कारोबार जाती है ना कुछ ना क्या, फिर भी बच्ची के उस पर राजी हो गया हमें कर देने के लिए। रसम जो है सो जनवरी में हुआ, रमजान के 6 रोजों शवाल के 6 रोजों के बाद शादी थी। पुलिस को बोला मैं पीटीएड लगाइए, बोला सर्कल साहब मेरे को वो दिए कि उम्र कैद कराता हूँ बोले उसको छुटे ना नहीं करता हूँ बोले पूरा वो कराया तो बोले अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं अच्छा, हाँ साहब बोले अच्छा करता हूँ बोले भरोसा दिए साहब हमारे को।